साथियों, आज जो आप चेहरे को देख रहे हैं वो चेहरा किसी बहुत बड़े शख्सियत का नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का चेहरा है जिसने नवाबगंज को उसकी पहचान दिलाई है। बरसों से जो पुलिया नवाबगंज में बन नहीं पा रही थी, नवाबगंज जाने के लिए आदमी बहुत देर तक जाम में फंसा रहता था, उस जाम से, उस पुलिया से लोगों को निजात दिलाई ऐसी सुनीता गंगवार, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और जिनके बारे में मैं एक शेर कहूँगा कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उसके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। ऐसी हैं सुनीता जी। सुनीता जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैडम, जैसे कि चुनाव डिजिटल मोड में आ चुका है, तो ऐसे में छोटी पार्टियां अगर कहें जिनके पास इतना पैसा नहीं है या इतना संसाधन नहीं है, तो कैसे चुनाव को मैनेज कर पाएंगे आप? देखिए, चुनाव जो होता है, हमें अपनी बात अपने वोटर तक पहुंचानी है, डोर टू डोर तक पहुंचानी है। तो जब डिजिटल पे हम आ जाते हैं, बड़ी रैलियां या बड़ी सभाएं नहीं होती है, तो हम लोग अपनी डोर टू डोर अपनी बात रखेंगे जनता के सामने। जैसे कि आप देख रहे हैं नवाबगंज पिछड़ा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो डिजिटल का यहाँ पे कैसे क्या हो पाएगा बताएं? सरकार कह रही है कि 5 लोगों से ज्यादा, चुनाव आयोग कह रही है जा घूम नहीं सकते, तो ऐसे एक दिन में आप कितने गांव घूम पाएंगी? और जो अनएजुकेटेड आदमी है उसे क्या मतलब डिजिटल से, क्योंकि मोबाइल का डेटा भी महंगा हो रहा है और दुनिया भर की वो समझता ही नहीं है क्या चीजें, और गलत चीजें भी आती रहती हैं डिजिटल पे, तो आपको पता होगा। ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेष रूप से महिलाओं में अभी इतनी जानकारियां नहीं है उन्हें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं नवाबगंज क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो मेरी जंग है वो वहाँ की अशिक्षा से है। ये अशिक्षा ही है जो सबसे बड़ी रुकावट है। वोटर रुकावट नहीं है, अशिक्षा रुकावट है। क्योंकि हमारी नवाबगंज विधानसभा की जो महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं टोटली अशिक्षित हैं, जो मोबाइल से कनेक्ट नहीं है, या कनेक्ट हैं तो बड़े मोबाइल या डिजिटल मोबाइल से कनेक्ट नहीं है, छोटे मोबाइलों से कनेक्ट है, जहां पर सिर्फ अपनी बातचीत करने तक का उनका संसाधन है। लेकिन आज दिन दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सही है कौन गलत है, हमें किसे वोट करना चाहिए, और जो वोट मांगने हमारे पास आया है, या जो प्रत्याशी मैदान में, इसमें कौन बेटर है सबसे, किसका क्या इतिहास है, किसने अब तक क्या किया है, ये एनालिसिस करने की हमारी नवाबगंज क्षेत्र की महिलाओं और अशिक्षित लोगों में क्षमता नहीं है। लेकिन फिर भी बराबर मेरा संपर्क बना हुआ है, लेकिन जो मेरे काम हैं उनकी धमक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही पहुंची हो, मगर पहुंची जरूर है हर गांव तक। उस बात को अब जो जहां तक नहीं पहुंची है, तो मैं डोर टू डोर, मैं और मेरी टीम बराबर पहुंच रही है, और बराबर मेरा लोगों से संवाद चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि बस वोटर को ये नहीं बताना है कि आप मुझे वोट करिए, वोटर को मुझे एक ही मैसेज देना है कि आपके बीच में जितने भी प्रत्याशी हैं, कौन आपके लिए सबसे बेटर है, उसको अच्छी तरह से तोल मोल कर आपको वोट करना है, क्योंकि आप आने वाले 5 साल के लिए अपना भविष्य दांव पे लगा रहे हैं। जी, नवाबगंज में क्या ड्रीम प्रोजेक्ट आपका होगा अगर आपको मौका मिले? हर आदमी जो है, हर कैंडिडेट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करता है। जैसे कि कलापुर पुलिया आपने बहुत बड़े संघर्ष के बाद चेंज करा, तो ऐसे ही और कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा होगा जिस पे आप काम करेंगी? नवाबगंज में केवल दो सबसे अहम व बड़े मुद्दे हैं, वो है शिक्षा। इस नवाबगंज क्षेत्र में आपको मैं बता चुकी हूँ, तमाम मीडिया वालों को मैंने बताया है, जनता को भी बताया है, कि वहाँ पर कितने राजकीय विद्यालय जो बरसों से पड़े हुए इंटर कॉलेज, आज तक उनमें ताला लगा हुआ है। इसकी मुझे जानकारी अभी हाल में ही मिली है, मैं तो दंग रह गई हूँ कि इतने कॉलेज बंद हैं, तभी तो नवाबगंज की शिक्षा का ये हाल है। इतना अशिक्षित क्यों है उसका राज मुझे पता चला कि वहाँ के नेताओं ने सिर्फ गुटबाजी की राजनीति की, गुंडागर्दी की राजनीति की, लोगों को डरा धमका कर गुटों में बांट दिया, और उन्हें वो डर के मारे वोट करते रहे। उन्होंने न कभी शिक्षा मांगी, न रोजगार, ना किसी और चीज। और दूसरी है विकास। नवाबगंज क्षेत्र में आप जाइए, 30-30 35-35 साल से लोग बताते हैं
कि गलियां, छोटे छोटे गांव हैं जो बॉर्डर के गांव हैं, लोग एक छोटी छोटी अपनी गली के लिए तरस रहे हैं कि उस गली में आज तक मिट्टी की वो गलियां बनी हुई हैं। बहुत ज्यादा कहीं बन गया तो खड़ंजा पड़ गया, वरना पूरी कीचड़ से भरे हुए गांव हैं। ये स्थिति है। तो दो ही मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा उन पे वर्क करने की जरूरत है, वो है पूरे नवाबगंज क्षेत्र को शिक्षित करना, क्योंकि इन नेताओं ने बच्चों और युवाओं के हाथ से कलम छीन लिया और विद्या के जो शिक्षा के मंदिर हैं उनमें ताले लगा दिए हैं। उन तालों की चाबी लेके मुझे आना है और उन्हें खोलना है और उनमें मुझे बच्चों के दाखिले करवाने हैं। मैम, जैसे कि अब फिर वही बात आ गई यहाँ पे कि हिंदू और मुस्लिम पे इलेक्शन फिर लग रहा है, होने की तैयारी हो रही है, क्योंकि नारा दिया जा रहा है 80 हमारा है 20 इनका है, तो इससे आप कैसे निपटेंगी? देखिए, जब जनता के सामने एक ही चीज परोसी जाती है तो बहक जाना अलग बात होती है, बहक सकता है, लेकिन जब जनता को ये पता लगे, ये वोट की अहमियत उसको पता चले कि हम ये एक वोट अपने 5 साल के भविष्य के लिए देते हैं, तो निश्चित रूप से जनता में बदलाव आएगा। बाकी हिंदू मुस्लिम राजनीति से जनता पिछले 5 सालों से जूझ रही है, उसने उसका भी स्वाद चखा है कि उसे क्या मिला है। जब बदलाव चाहिए तो इस राजनीति से जनता भी निकलेगी, और ऐसा नहीं है हमेशा एक ही चीज काम करती है या आप वोटर की आंख पे हमेशा पट्टी बांध के कामयाब हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब पेट में रोटी नहीं होती है और चारों तरफ तबाही मची होती है तो हिंदू मुस्लिम क्या हर चीज दिमाग से निकल चुकी होती है। जी, बीजेपी के साथ जैसे कि लहर बनाई जाती है, बीजेपी बहुत बड़ी लहर के साथ आ रही है और राशन भी बांट रही है, और थैला आपने देखा है कितना मजबूत थैले में राशन मिलता है, तो राशन से क्या जनता सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्या? जनता भी जानती है कि हमें राशन मिल रहा है, राशन के साथ साथ और भी तो जनता को कुछ चाहिए। जनता ये भी तो देख रही है कि आज हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो बच्चे जा रहे थे वो भी अब घर में बैठ गए हैं, जो नहीं जा रहे थे उनकी तो कोई संभावना ही उन्हें नहीं दिख रही है कि वो नहीं जा पाएंगे। तो देखिए, बदलाव तो सोच में आता ही है। हर बार कहिए कि काट के आंटी बार बार चढ़ती रहेगी, तो ऐसा नहीं होता। और आपको बता दूं, क्या पिछले 5 सालों से और उससे पहले से केंद्र में बीजेपी की दोबारा सत्ता आ गई है, तो इन चीजों में क्या जनता ने बीजेपी के मुंह से कभी किसी और चीज के बारे में सुना? केवल हिंदू मुस्लिम, एक ही चीज सुनते सुनते कहते हैं कि मंदबुद्धि भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक ही बात क्यों रटी जा रही है, इसके अलावा क्यों नहीं इनके पास बातें हैं। तो सारी चीजों पर जनता कहीं ना कहीं मंथन करेगी। जी मैम, केजरीवाल की रैली बरेली में कब होने की संभावना, यहाँ विजिट नहीं हो पाई है केजरीवाल जी की, क्या कारण रहा है? देखिए, वो इस समय 4 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं और 4 राज्यों में चुनाव लड़ना इतनी मामूली बात नहीं होती है, और चूंकि वो हमारी राष्ट्रीय वो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, आम आदमी पार्टी को जाना ही उन्हीं के नाम से जाता है, तो उसमें मैनेज करना 3 राज्यों में तो अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है, यूपी बहुत बड़ा है, तो यूपी में जैसे ही स्टार्टिंग हुई थी, 2 तारीख को एक महारैली हुई थी लखनऊ में, तो वो एक सफल रैली थी, और उस रैली में जो उन्होंने प्रदेश की जनता को संबोधित किया था, उस संबोधन से ही पूरे प्रदेश में एक हलचल मची थी कि हाँ, जो उन्होंने कहा है अब तक वो किसी नेता ने नहीं कहा, सबसे ज़्यादा सच्चाई है तो अरविंद केजरीवाल जी की बातों में है। इस बात को जनता ने एक ही रैली में महसूस किया। उसके बाद आगे कोरोना की वजह से सारी रैलियां रद्द कर दी गई हैं, किसी भी पार्टी की रैली नहीं हो रही है, और चुनाव आचार संहिता के चलते ये तो अब चुनाव आयोग ही तय करेगा कि आगे रैलियां होंगी या नहीं होंगी। अगर होती हैं तो निश्चित रूप से यूपी के और क्षेत्रों में होंगे, और अगर नहीं होती हैं तो फिर इसी तरह चुनाव लड़ा जाएगा, और वर्चुअल उनकी जो सभाएं होंगी वो आती रहेंगी, उनका संबोधन आता रहेगा। जी, एक बात और आती है कि नवाबगंज में जो विधायक हुए हैं वो गंगवार ही हुए हैं, और अहमदाबाद गांव का नाम बहुत फेमस होता रहा है कि वहां से विधायक निकलते रहे हैं, आपका भी कोई संबंध रहा है अहमदाबाद से? नहीं, मैं अहमदाबाद एक गांव है, जो भी वहां विधायक प्रत्याशी रहे हैं वो अहमदाबाद के ही रहे हैं, और जो जीते हैं वो भी अहमदाबाद के ही जीते हैं। मेरा तो गांव अलग है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि लंबे समय से वहां पर एक अहमदाबादी गुटबाजी की राजनीति चलती आई है, और जनता जब चुनाव
से पहले भी जनता ने यह आवाज उठाई कि अहमदाबादी राजनीति खत्म होनी चाहिए नवाबगंज क्षेत्र में, मगर खत्म करने के लिए भी तो कोई ऐसा होना चाहिए जो इससे हटकर जनता को एक सही रास्ता दिखा सके। तो इस बार जो चुनाव होगा वो निश्चित रूप से अहमदाबादी राजनीति को और गुंडागर्दी की राजनीति को खत्म करने का चुनाव होगा। सुनीता गंगवार का एक ही मिशन है कि नवाबगंज क्षेत्र से गुंडागर्दी गुटबाजी की राजनीति को खत्म करना चाहिए और एक शैक्षिक क्रांति के लिए जनता वोट करे।